दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप खुद ही पता कर सकते हैं कि आपको अपनी कार के टायर में कितना एयर प्रेशर रखना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपनी गाड़ी के टायर में कितना एयर प्रेशर रखें, यानी कितनी हवा हमको भरानी है। नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके लिए दोस्तों आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हर कंपनी अपनी कार में लगे हुए टायर के लिए एक टायर प्रेशर रिकमेंड करती है, निश्चित टायर प्रेशर रिकमेंड करती है। तो आज मैं आपको बताऊं किस तरह से जान सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास ब्रेजा है, आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो सकती है, तो कंपनी क्या करती है दोस्तों, उसका एक स्टिकर लगा के देती है। कहाँ पर लगा के देती है? ये स्टिकर आपको मिलेगा दोस्तों, या तो आपको यहाँ मिल जाएगा दोस्तों, कुछ गाड़ियों में यहाँ पर मिल जाता है, कुछ गाड़ियों में आपको यहाँ पर मिल जाता है, और कुछ गाड़ियों में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपने ये स्टिकर पर गौर किया होगा तो सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, टायर का साइज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पर एयर प्रेशर आपको कितना रखना है फ्रंट में रियर में, वो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चार लोगों के लिए बता रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पांच लोगों के लिए ये टायर प्रेशर बताया गया है। तो जो टायर का साइज है वो ये है 215/60R16। तो 16 इंच का टायर है और 215 सेक्शन का टायर है, 60% इसकी बोल की चौड़ाई है, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है KPA, बार और PSI, तो तीन में दिया गया है, हम ज़्यादातर देखते हैं दोस्तों PSI में। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये KPA में हो गया ऊपर वाला, या टायर प्रेशर है, ये टायर प्रेशर बता रहे हैं। फ्रंट के लिए एरो का निशान बना हुआ है, रियर के लिए बना हुआ है, यानी फ्रंट टायर के लिए और रियर टायर के लिए। तो फ्रंट में आपको कितना रखना है, अगर गाड़ी में चार लोग हैं ड्राइवर को मिला के, तो रखना है फ्रंट में, अगर KPA की बात करें 2.3, बार की बात करें सॉरी KPA की बात करें तो 230, और अगर बार की बात करें तो 2.3, और अगर PSI की बात करें तो 33 PSI आपको अपनी गाड़ी के फ्रंट टायर में जब चार लोग गाड़ी में हैं ड्राइवर को मिला के तब प्रेशर रखना है। इसी तरह से रियर में भी आपको 33 PSI रखना है, यानी कि चार लोग हैं गाड़ी में तब आपको सेम रखना है। लेकिन गाड़ी में अगर पाँच लोग हो जाते हैं, पीछे तीन आगे दो ड्राइवर को मिला के, तो फिर जो टायर में प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर हम KPA में बात करें, चूंकि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आती KPA और बार, हम PSI में ही देखते हैं, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फ्रंट में 250 और रियर में 280, यानी कि 250 और 280 आपको रखना है जब गाड़ी में पांच लोग हैं ड्राइवर को मिला के। और अगर बार की बात करें 2.5 से 2.8 रियर में आपको रखना है, और अगर PSI में बात करें तो 36 पॉइंट हवा आपको PSI में आपको आगे के टायर में रखना है, और रियर में 41 रखना है, यानी 36 और 41 आपको रियर में रखना है। रिम साइज भी यहाँ पर दिया गया है और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह के स्टिकर को आप पढ़ के आसानी से खुद ही पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमको टायर में प्रेशर कितना रखना है। इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में आप खुद ही इस स्टिकर को रीड करके जान सकते हैं, बस आपको रीड करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज आते हैं KPA, बार और PSI, तो आप PSI को ध्यान रख लीजिए, नीचे वाला PSI है, बीच वाला बार है, ऊपर का KPA। और ये जो स्टिकर है दोस्तों अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से बनाती है, और इसका जो डायग्राम वो भी अलग अलग हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी, मैंने सोचा आपको बताई जाए, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।